अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। जी व्यूअर्स, तो अभी रात के बज रहे हैं 8, ठीक है। मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हो चुकी हूँ, तो कल हमारे घर में जो है ना दावत है, तो उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो जनाब चलते हैं किचन में। जी व्यूअर्स, तो इस वक्त मैं किचन में आ चुकी हूँ। यहाँ पे जो है ना कबाब बन रहे हैं, जो कि मेरी मम्मी बना रही हैं, और बाकी की जितनी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह वो मैं खुद बनाऊंगी। अभी तक चीज़ें नहीं है तो पूरी, तो जैसे चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी मैं उनको मैरिनेट करके रख दूँगी, तो आपके साथ शेयर भी करते जाऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे इसमें चीज़ें वगैरह डल चुकी हैं, तो व्यूअर्स साथ रहिएगा, काफ़ी चीज़ें बनानी है दावत के लिए। तो इसीलिए हमने कहा कि रात में स्टार्ट कर लेते हैं और दिन में तो काम थोड़ा कम रहता है। जी व्यूअर्स, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, खजूर हैं, डेट्स हैं, ये मैं गिफ्ट मिला था, बहुत मज़े का है और इसमें तिल लगी हुई, सर्दी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जी व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। तो सब सुबह हो चुकी है, मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी क्योंकि रात में चीज़ें थी और मैं सोच चुकी थी, उसके बाद आज जल्दी अपना क्या जल्दी काम करते हैं, पहले खत्म करते हैं। तो मैं नाश्ता वास्ते कर लिया है, तो जी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, सर्दी ज़्यादा नहीं है, किचन की तरफ और काम स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे जो है ना मैं बाहर थोड़ी देर आके बैठ गई हूँ क्योंकि अंदर बहुत ठंड हो रही थी, तो यहाँ पे मैं ग्रीन टी पी रही हूँ और धूप थोड़ा सा सेक लूँ, फिर अंदर जाऊँगी, फिर काम शाम कर लूँगी। और इसलिए जाना बहुत ईजी देखते हैं।
जी जो थोड़ा सा जो मैं चीजें काटी थी और यहां पे जाना चाहता हूं बना लूं बीक का भी कुछ अच्छा लगा बाकी उसमें मसाला और उसमें बटर डाल दिया गया तो मैंने कहा कि आई लव को भी चाहिए थे टमाटर और मैंने अचार को डाल दिया। जी जब जाएगा लास्ट में डाल दी थी यहां बनाने में मसाला है गैस सारी चीजें अच्छी तो बेबी चाहिए सा तो ये देखिए यहां जो मैंने अभी खोला है तो इसमें ग्रेवी बनाई और उसमें काट के मिक्स मसाला था और जी फिर हमारे पास सारी चीजें रंग का मसाला है चिकन करी है इसके साथ में आप उसे चला शुरू भी अब जी व्यूअर्स तो यहाँ पे मैं किचन वगैरह से फ्री हो गई थी तो मैं फ्रेश हो गई और ये मेरा आज का आउटफिट है तो मैंने सोचा मैं कुछ वीडियो बना लूँ इसकी भी। इसके अलावा जी यहाँ पे शाम का टाइम और अभी तक गेस्ट नहीं आए थे तो मैंने सोचा काफ़ी थक गई थी तो मैंने सोचा मैं चाय बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ कि व्यूअर्स ये केक जो है ना वो गेस्ट लेकर आई थी और मैं किचन में काम करी थी। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, थोड़ा सा नहीं बल्कि मैंने ज़्यादा खाया था, बहुत मज़े का था ये। जी व्यूअर्स तो आज मैंने आपको बताया था दावत है तो पूरा दिन गुजर गया और मतलब अब काफ़ी देर भी हो चुकी है तो मेहमान अभी अभी जा चुके हैं। मैंने कहा कि मैं वीडियो बना लूँ और फिर मतलब अपलोड भी करनी होती है तो मेहमान बहुत मज़ा आया, मेहमानों के साथ अच्छा लगा और मैं खाने की वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि नहीं बना सकी क्योंकि ऐसा था कि आपको पता था जब मेहमान आते हैं तो इधर उधर चीज़ें होती हैं तो मतलब वीडियो बनाने का इतना टाइम नहीं मिला तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी कर ली थी टाइमली तो बहुत अच्छा लगा भाई। तो जो मेहमान आए थे गेस्ट आए थे वो कुछ गिफ्ट्स लेकर आए थे हमारे लिए तो हमें बहुत अच्छा लगा तो वैसे जो मैं आप लोगों से शेयर करूँ व्यूअर्स तो यहाँ पे जो है ना टॉफीज़ हैं थे चॉकलेट्स हैं ठीक है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बहुत मज़े की होती हैं। ये वाली चॉकलेट्स ये लोग लाए थे ठीक है तो दूसरी में ये आई थिंक इसमें डिफरेंट टाइप के चॉकलेट्स हैं जी बिल्कुल बहुत मज़े की चॉकलेट से लगता है। इसमें से किसी ने कुछ निकाल भी लिए कुछ खा लिए तो क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी वीडियो बनाते हुए तो ये चॉकलेट्स हो गए। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक ड्रेस है स्कोपिंग करता है बहुत प्यारा कलर लग रहा है ये स्किन कलर बिस्किट टाइप का कलर है ठीक है तो बहुत ही प्यारा है। इसमें शेड्स आ रहे हैं डिफरेंट टाइप के ठीक है सिल्वर शेड आ रहा है और बिस्किट टाइप का आ रहा है ठीक है स्किन कलर है तो बहुत ही कलर अच्छा है कि और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है इसका तो जी बहुत अच्छा ये सॉफ्ट सा कपड़ा होता है और इसमें फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं ये वाले तो चूंकि ये जो लाए थे गेस्ट यम्मी के लिए लाए थे बहुत प्यारा माशाल्लाह से कपड़ा है। ये ऐसा है कि इसमें मतलब बलोची सूट ही बनता है और बलोची सूट मैंने आपको बताया हमारा कल्चरल ड्रेस है तो बहुत प्यारा लगेगा इसमें स्किन कलर में तो ये पहनते हुए भी बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। दूसरे इन्होंने केक दिया था जी केक भी बहुत मज़े का था मैंने ट्राई किया है चूँकि मैंने इसकी दूसरी वीडियो बना ली उसमें मैं आपको दिखाऊंगी केक बहुत अच्छा था माशाल्लाह से और ये सारे गिफ्ट थे जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस रिस्पेक्ट एंड लव एंड गिफ्ट बहुत अच्छे हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं चॉकलेट्स भी बहुत मज़े के हैं। मैं उनको थैंक यू करना चाहती हूँ और उन्होंने खाम खा की ऐसे तकलीफ की है जी। व्यूअर्स तो मैं यहाँ पे काम शाम करके फ्री हो गई थी रात के 1:30 बज रहे थे फिर थोड़ा सा मैंने कस्टर्ड खाया तो आज के हमारा दिन यही था और ऐसे मेरा का दिन गुजरा है काम वाम करके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में
और कुछ नई चीज़ के साथ। तब तक आप अपने घर वालों को बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।